गीता भी है हमारे पास, और बाइबिल भी है, कुरान है, कुरान के तराजीम हैं, तफासीर हैं, अहादीस हैं, फिका है। लैंग्वेज किसी रिलीजियस से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। लैंग्वेज के लिए तो कोई भी कहीं कभी भी पढ़ सकता है, कोई मना भी नहीं है। ये लाइब्रेरी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के नाम से है और दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के अंडर में है। 23 साल आगाज हुआ था लाइब्रेरी का, आज से 21 मार्च 1994 में लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। उस टाइम में जो एनजीओस के मेंबर्स थे उन लोगों ने अपना कलेक्शन ला के यहाँ पर दिया, ताकि जिस दिन लाइब्रेरी स्टार्ट हुई, एक इसमें सबसे ज़्यादा कीमती कुरान हमारा 130 साल पुराना कुरान था और बहुत रेयर उस कुरान था वो, तो उसमें दीमक लग गई। और वो अभी भी उसका आधा पार्ट तो बिल्कुल ख़राब हो चुका था और आधा पार्ट अभी IGNCA वाले लेके गए हुए हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें 5 जबानी किताबें मौजूद हैं, इसमें अरबिक में है, पर्शियन में है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने डोनेट की बुक्स, हम लोगों कुछ हम लोगों ने परचेज की, और इसमें लगभग 2050 किताबें जो हैं बहुत रेयर हैं, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसमें बहादुर शाह जफर का दीवान है, पोइट्री ऑफ बहादुर शाह जफर, और उसकी खासियत ये रही कि वो लाल किले में प्रिंट हुआ, उनकी मौजूदगी में प्रिंट हुआ जब वो हयात। तो जो हमारे पास जो भगवत गीता है तकरीबन 110 साल पुरानी है, और इसमें जो खूबी ये है ये इसमें जहाँ उर्दू के अंदर है वहाँ सबसे ज़्यादा इसके अशोक दिए गए हैं इसके अंदर। ये खूबी है कि हमारी प्राइवेट लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है, ये 2 टाइम खुलती है, सुबह 10 बजे खुलती है और रात 9 से 12:30 बजे तक खुलती है, क्योंकि दिल्ली में कोई लाइब्रेरी प्राइवेट रात को नहीं खुलती। और जो यहाँ स्कॉलर्स आते हैं तमाम दिल्ली से आते हैं, इंडिया से, पूरे यूरोप से, अमरीका और मिडिल ईस्ट से भी आते हैं। इस बार जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है स्पेस की, लाइब्रेरी ओवरलोडेड है और जितनी बुक्स यहाँ अवेलेबल इस वक्त लगभग 15,000 बुक्स यहाँ मौजूद है, और इससे 2-3 दिनों बुक्स हमारे यहाँ 2 जगहों पे और रखी हुई है। जी, ये काफ़ी किताबें हमारी पिछले 3 साल में तकरीबन 2,500 किताबें खराब हो गई, इसमें दीपक लग गई इसी वजह से। तो हमने फिर न्यूज़ पेपर में दिया इस चीज़ को, तो वहाँ से लोग आए, एजेंसी से लोग आए, IIC की डायरेक्टर आई, तो उन्हें चीज़ देखी, तो फिर उन्होंने सर इनको प्रिजर्व कराया तमाम, जो आप किताबें देख रहे हैं तकरीबन रेयर बुक्स हैं सारी है। तो इसके अलावा जो मैनुस्क्रिप्ट हैं वो भी हम सेव करते हैं तकरीबन, धूप में रखते हैं उनको, नीम की पत्तियाँ रखते हैं, जो पुराने तरीके में हम उस पर महफूज करते हैं। इन्होंने कुछ बचाया तो है लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है और हर बार दीमक लग जाती है, 2-4-5-10 किताबें ज़रूर ख़राब हो जाती हैं। देखिए, उसमें मकसद ये था कि जो बड़े लोग कहते हैं हमें इल्म हासिल करना चाहिए, उसके लिए किताब का होना ज़रूरी है और किताब के लिए कुतुबखाना होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ सोच थी हमारी, क्योंकि जो ये एक हमारा जो कहते हैं सलम एरिया, जामा मस्जिद, सिटी वॉल जो कहते हैं, तो यहाँ लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमने कहा कि लाइब्रेरी बनाई है, यहाँ लोग आके बैठेंगे, बच्चे वाले खासकर नौजवान जो यहाँ के, उनको शौक़ पैदा होगा पढ़ने का, तालीम करने का, इसी यही मकसद हमारा था।